जी वेलकम बैक, आप लोग देख रहे हैं राइजिंग पाकिस्तान और इस वक्त राइजिंग पाकिस्तान में वक्त है आपके सेगमेंट का यानी कि सोशल मीडिया का। चलें तो सी चले जनाब, देखते हैं किसने हमें कहां से याद किया है, क्यों याद किया है और क्या भिजवाया है। सबसे पहले हमें कश्मीर से तस्वीरें आई हैं और हमें भेजी हैं तौसीफ ने। ओके ओके लो जी, लेकिन कश्मीर तो इतना हमारा खूबसूरत, इतना बड़ा कश्मीर है, अब उसमें आपने कहां से भेजी है, अपनी जगह भी बताते। लेकिन तौसीफ ने देखे खूबसूरत मंजर भेजी, ये क्या दीवार है सामने? हाँ जी, ये दीवार है और उसके पीछे पहाड़, उसके पीछे वो सीन है और आसमान है। अच्छा अच्छा अच्छा, भाई वाह, दिस इज सो ब्यूटीफुल तौसीफ, थैंक यू वेरी मच। लेकिन इस तरह की आइकॉनिक बिल्डिंग्स की जरा हमें थोड़ी सी डिटेल भी बताया करें कि ये कौन सी जगह है, कौन सा इलाका है, शहर है, गांव है, क्या है। वाह जी वाह, ये वो सीन एंजॉय कर रहे हैं। ये तो मेरा दोस्त आ गया, वेरी गुड। इसका क्या नाम है, टिंकू मिंकू है, है ना? क्या स्टाइल है भाई, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा जी, उसके बाद हमें फातिमा ने एबटाबाद से तस्वीर भेजी है, आइए देखते हैं। लो जी, फातिमा कहती है वो एक ही तस्वीर भेजी है और देखें, ब्यूटीफुल है ना जी, खूबसूरत तस्वीर, 100 पे भारी है, ब्यूटीफुल, वेरी नाइस वेरी नाइस। अच्छा, इसका एक तो कंट्रोल रूम आज बहुत जल्दी में लगता है, उन्होंने कहीं कहीं नाश्ते पे इनवाइटेड है ना, तो तस्वीर अभी हम एंजॉय करने लगते हैं, तस्वीर कहते हैं आउट। लेकिन भाई इसका नाम जो है ना वो मैं लिख रहा हूं, बहुत प्यारा होना चाहिए, ग्लिटर। ग्लिटर को दोबारा दिखाएं सर, क्योंकि उसकी आंखें बहुत प्यारी हैं, देखें। ओए होए होए होए, ओहो हो, और क्या कैरेक्टर है, और आपने नाम बिल्कुल उसके पर्सनालिटी के मुताबिक रखा है ना, ब्रांडिंग बिल्कुल ठीक की आपने। हाँ भैया, मीना से सीख लिया हमने ना, एग्जैक्टली। अच्छा जी, शेर अली ने हमें जंड नजर से तस्वीरें भेजी हैं, आइए देखते। लो जी, शेर अली ने जंड से हमें याद किया है, वाह भाई कितने, ये तो मुझे ऐसे लग रहा है कोई आग का एक बगुला है, है ना, जो आसमान पे सफर कर रहा है, लेकिन नहीं, असल में एक बादल है जिसको सनसेट की लाइट टच कर रही है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, बताओ जी ये क्या है? मुझे पता था पूछेंगे ये, बस मुझे नहीं पता क्या है ये, अलूचे हैं जी, अलूचे हैं या जापानी फल है, ये जापानी फल है, जापानी फल है, बताओ भाई कंट्रोल रूम क्या है, वही है वही है वही है, जापानी फल है। आसिफ शाह ने, हमारे कैमरा मैन ने सही गेस किया, वेरी गुड वेरी गुड। ओ, इनके नाम सोचे जी, मिंकू एंड चिंकू। अच्छा हाँ, ये लेफ्ट साइड वाली मिंकू है, ठीक है, राइट साइड वाला चिंकू है, ठीक, वेरी नाइस, ओके ओके ओके। हाँ वो फादी आज दूसरी साइड पे ना, वो वरना देख के हम इसके क्या हमें नस्ल बताता जी। अच्छा जी, उसके बाद तौसीक हमें मेहरुन्निसा ने तस्वीरें भेजी हैं, जलालपुर शरीफ डिस्ट्रिक्ट जेहलम से, आइए देखते हैं। मेहरुन्निसा ने बड़ा खूबसूरत जनाब जेहलम का आसमान कैप्चर किया है, ब्यूटीफुल वेरी नाइस मेहरुन्निसा, जबरदस्त, और ये बहुत प्यारी पिक्चर है, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, जबरदस्त, वेरी नाइस वेरी नाइस, थैंक यू मेहरुन्निसा जी। उसके बाद हमें अजलाल अहमद ने सवाबी से तस्वीरें भेजी हैं, आइए देखते हैं। सवाबी वालों की एंट्री हो गई, ओ इसका नाम मैं रखता हूं जी गीटू। गीटू गीटू बड़ा ही शरारती है, ठीक है, गीटू के सिर्फ दो काम है, या शरारतें करता है या सो जाता है। आपको पता है ये मुझे पहले शरारती नहीं लग रहा था, लेकिन जब आपने इसका नाम गीटू रखा तो मुझे लगा ये मस्ती वाला है। गीटू के बाद ये है शीटू, शीटू हाँ, ये शीटू है और ये जरा मैच्योर है, मुदब्बर है। अच्छा। थोड़ा सा हाँ ऐसे मतलब, यानी ये मेरे पे गया है, exactly, है ना, मैच्योर, और आप कहना चाह रही गीटू मेरे पे गया, बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये मुझे लगता है गीटू ही है जिसकी मुख्तलिफ तस्वीर है, हाँ जी। अच्छा, अच्छा। वो गीटू ही के बहुत, यानी गीटू की कोई एक ब्रांडिंग नहीं है, जैसे मीना बता रही थी, गीटू कभी शोख और चंचल हो जाता है और कभी मुदब्बर हो जाता है। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच, स्वाभी की भी बड़ी प्यारी बिल्ली से आज हमारी मुलाकात। अच्छा जी, उसके बाद हमें, अब हम मैसेजेस की तरफ चलते हैं। राबिया हबीब ने किमाड़ी से मैसेज किया और वो कहती हैं, सोशल मीडिया सेगमेंट मेरा भी पसंदीदा है, बाकी सब लोगों के गिले सुन सुनकर मैंने अभी तक तस्वीर तो नहीं भेजी कि शामिल ना हुई तो मुझे भी उदासी होगी, इब्तदा पैगाम भेजने से कर रही हूँ, अगर ये शामिल हो गया तो तस्वीर भी शामिल हो जाएंगी। इसके साथ साथ ये कहना चाहूंगी कि कभी आप दोनों, फातिमा आपी तौसीक साहब दोनों, किसी दिन तस्वीरें क्लिक करके लाएं और सोशल मीडिया पर चलवाएं। गुड आइडिया वैसे। वाओ, वेरी गुड आइडिया। राबिया किमाड़ी से आप आई हैं और छा गई हैं, पहला आपका मैसेज ही एक अच्छा कॉन्टेंटफुल आइडिया हमारी टीम को देकर गया। चैलेंज डन हो गया, नेक्स्ट वीक तस्वीरें लाएंगे अपनी खींची हुई, यानी अपनी तस्वीरें नहीं होंगी, नहीं, लेकिन खुद खींच, बिल्कुल है ना जी, और लेकिन फिल्टर नहीं लगेंगे,
बिल्कुल ये भी ज़रूरी है ना। अच्छा जी, अलिश्मा नूर ने हमें इस्लामाबाद से मैसेज किया और वो कहती हैं, राबिया खालिद की गुफ्तगू से हम बहुत महजूज हुए, उनका अंदाज़ बयां बहुत खूबसूरत था, हम लड़कियों को उनसे मोटिवेशन मिली और हम पाकिस्तानियों के लिए फ़ख्र की बात है कि यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर्स में ये वाहिद पाकिस्तानी हैं जो अपने मुल्क की नुमाइंदगी मुस्बत अंदाज से में कर रही हैं। जी हाँ बिल्कुल, रबिया खालिद कल हमारी मेहमान थी और बिल्कुल यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क के अंदर ये टूर गाइड हैं और बहुत ही ज़बरदस्त उनकी पर्सनैलिटी थी और बहुत ही ज़्यादा हमें उनका फीडबैक मिला है। आप सबकी तारीफ़ें और सताइश और दुआएं रबिया खालिद तक पहुंचा दी गई हैं। बिल्कुल। अच्छा जी, उसके बाद हमें मोहम्मद हुसैन ने मैसेज किया है लेकिन उन्होंने हमें अपनी जगह नहीं बताई। मैं क्लास 4 का तालिब इल्म हूँ और आपके प्रोग्राम को बहुत शौक से देखता हूँ। बस ओके, वेरी गुड। बस वो उन्होंने बहुत जो पॉइंट था वो उन्होंने बताया। जी हसनैन, थैंक यू वेरी मच। हसनैन इसका मतलब है मेरे क्लास फेलो हैं, वो चहारुम में है, मैं भी चहारुम, दोनों क्लास 4 के स्टूडेंट। अच्छा, चहारुम तक पहुंच गए? पहुंच गया हूं। अच्छा, मुबारक हो, बहुत बहुत। अच्छा जी, आज का आखिरी मैसेज शामिल करते हैं तौसीक। हमें आयशा खालिद ने कलर कहार से मैसेज किया है। सर एक सवाल है आपसे, वो ये है कि अगर आपसे कोई ये सवाल पूछे कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहेंगे तो वो कौन सी फील होगी जिसमें आप खुशी खुशी से जाना चाहेंगे? चलें जी बताएं। गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। क्या क्या बनना चाहेंगे? पहली बात तो ये कि मैं बड़ा होना ही नहीं चाहूंगा। ये जो दुनिया है ना जिसमें मैं रहता हूँ ये बड़ी खूबसूरत दुनिया है। ये आप बड़ों की दुनिया में जाने का मुझे डर बड़ा लगता है ना, उधर जाके तो फिर जरा काम गड़बड़ हो जाता है। चलिए 2 मिनट के लिए सोच लेते हैं कि तौसीक बड़े हो गए हैं और अब तौसीक क्या बनेंगे? दही भल्ले की रेडी तो लगानी है। वो तो मीना तारे के साथ वो तो डन है। अच्छा, आई थिंक मेरा दो काम है जो मेरा ख्याल है कि अगर वो तो खैर रब की ज़ात आपको जिस भी प्रोफेशन में ले जाए आपका पैशन उस तरफ ले जाता है, लेकिन मुझे याद है बचपन में मेरी अम्मी बड़ी खुश होती थी जब मैं उनको कहता था, कोई पूछता था ना बड़े होकर क्या बनोगे, तो मैं कहता था मैं जानवरों का डॉक्टर बनूंगा, आई विल बी अ वेट। और मेरी वालिदा, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करें, वो क्योंकि जानवरों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती थी तो बड़ी खुश होती थी कि मेरे बच्चों में से कोई जानवरों का डॉक्टर बनेगा। ठीक है ना जी, तो शायद एक तो ये वो हिडन साइलेंट स्लीपी ड्रीम स्लीपिंग ड्रीम है, वो शायद मैं पूरी करूं। और दूसरा एक प्रोफेशन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, वो है केबिन क्रू, यानी जहाज़ उड़ाना नहीं लेकिन जहाज के अंदर जो केबिन क्रू होता है, जो स्टूअर्ड्स और स्टूअर्डेसेस होती हैं जो कि आपको खाना सर्व करते हैं, मुसाफिरों का ख्याल रखते हैं, ये प्रोफेशन बड़ा चैलेंजिंग प्रोफेशन है लेकिन मुझे बहुत पसंद है। तो मेरा ख्याल है केबिन क्रू और या जानवरों का डॉक्टर, ये दो ऑप्शंस। तो यानी तौसीक साहब ये बनेंगे। एग्जैक्टली। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने राइजिंग पाकिस्तान में अपने मैसेजेस भेजे। मैं और फातिमा अब आपको लेके जाना चाहेंगे एक मज़ेदार से नेशनल सॉन्ग की जानिब, वो हम देखेंगे और उसके बाद जब एक कमर्शियल ब्रेक होगा, ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो जमाल शाह साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है, बाटी गर्ल की पूरी टीम जो हमारे चाइना के बहुत से मेहमान, इसके प्रोड्यूसर, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर, इसके स्पॉन्सर्स, इसके इन्वेस्टर्स, वो आज राइजिंग पाकिस्तान में आ रहे हैं। अभी कुछ देर में हम उनसे गप लगाएंगे और बाटी गर्ल जिसको हमने फीचर किया था लास्ट वीक, ये पाकिस्तान और चाइना की जॉइंट फिल्म प्रोडक्शन है, पाकिस्तान में इसको रिलीज़ कर दिया गया है और बहुत ज़बरदस्त इसका फीडबैक आ रहा है और पाकिस्तान टेलीविजन PTV इसका मीडिया पार्टनर है। तो आज हमने सोचा है कि आज एक दफ़ा फिर बाटी गर्ल की कहानी आपके सामने रखते हैं, लेकिन पहले आरिफ लोहार का एक गाना, फिर एक ब्रेक और ब्रेक के बाद मिलते हैं। प्यार का गीत सुना मेरे।
तेरे देश में हर पल जाऊं, तुझे प्यार का गीत सुनाऊं, कि तू है पहचान मेरी, है तुझसे ही शान मेरी, मेरे देश में हर पल जाऊं। शान मेरे देश में हर पल चाहूं।